हेलो नमस्कार, मेरा नाम है यशु समर। आप देख रहे हैं द टॉलीवुड रिपोर्टर। पर्ल वीपुरी केस में अभी तक मैंने आपको बताया कि नेटिजन्स दो स्टेट्स में डिवाइड हो चुके हैं, एक वो जो पर्ल को सपोर्ट कर रहे हैं और एक वो जो पर्ल के खिलाफ हैं। ऐसे में जो टीवी इंडस्ट्री है वो अधिकतर जो लोग हैं वो पर्ल के सपोर्ट में आ रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम एकता कपूर भी हैं जो लगातार ये बोल रही हैं कि पर्ल निर्दोष हैं और अपने पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का दावा भी कर रही हैं। ऐसे में जो डीसीपी हैं मुंबई के, उनका बयान आया है कि उनके पास भी पर्ल के खिलाफ कुछ सबूत हैं जिसके बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब ऐसे में विक्टिम की जो मदर हैं वो भी एक टीवी एक्ट्रेस बताई जा रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो एक शो के सेट पर हुआ है। तो एकता कपूर जो विक्टिम की मदर हैं उन्हें जानती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। तो एकता कपूर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही है जिसमें वो विक्टिम की मदर से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, उन्हें समझाते हुए नजर आ रही हैं कि जो भी सच है वो यहाँ पर आपके सामने लेकर आए। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है आपको सुनवाता हूँ। And he was abusive mentally and physically. I think I messaged you also. So yeah, while I was doing paper now, so one day I got her for shooting. Who told you that something happened with my daughter? Because they've arrested Pearl. Just now he's been arrested. Oh, I don't know, Ekta, he put. इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा जो वाकया है वो एक सीरियल था बेपना प्यार, जिसके सेट पर ये सब हुआ है। तो एकता उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रही हैं अब। Wrong allegations. I don't know what's wrong with him. But then you should take it. You should tell the world the truth, na? Because what is happening is poor Pearl's reputation will go down the drain. I know you're right, Ekta. But the thing is, you know what? My daughter is involved. I didn't want to get this. Yeah, you know, but dirty you know. Public. But now like they are going to talk shit about your daughter also. This is really problematic for everyone. You know that. यहाँ पर एक तो जो है वो विक्टिम की मदर को यही बोलती नज़र आ रही हैं कि जो भी है वो सच आप सामने लेकर आएं, लेकिन जो विक्टिम की मदर है वो कह रही है कि इसमें मेरी बेटी इन्वॉल्व है तो मैं उसे सामने नहीं जाना चाहती। तो वहीं पर एकता बोलती है उनसे कि वो आपकी बेटी के लिए भी जो लोग हैं वो बहुत बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बोल रहे हैं कि यार जो लड़की है वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। तो ऐसे में जो सच है वो सामने आना चाहिए, और जो वहीं पर विक्टिम की मदर हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो ऐसे सामने आती हैं, उनकी बेटी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे सुनते हैं। I understand. If yeah, I know the done. truth. And Ekta, I have gone to the police station. My maid has given the statement that my maid was with me when I took her for the shooting. And I've been working with Balaji for so many years. And I've given all my statements there. My friends have come. And even in Deepana Pyar, all the actors are saying that they are ready to come and give the statements. And I have given all my statements, all the proofs that he's hit me, videos and the notes where he's written, I'll not be abusive with you and everything. And I'm staying on a rented. अब यहाँ पे जो एक्ट्रेस है वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है कि उनके हस्बैंड का जो बिहेवियर है उनके खिलाफ कितना बुरा रहा है, और जो सेट पे तमाम एक्टर्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं उनको भी इस बारे में पता है, और साथ ही साथ जो इनकी मेड हैं, एक्ट्रेस की जो मेड है उनको भी इस वाक्य के बारे में पता है। और जो हस्बैंड है, आपको बता दूं कि हस्बैंड ने ही जो केस है वो पर्ल के ऊपर किया है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा पर्ल वीपुरी ने किया है। सुनिए आगे। And I too got separated. It's been 3 years now. I'm separated, staying with my mom. So, you know me, I will, if I come to know somebody is hurt, somebody's child, I will kill that person. Forget, exactly. I mean, I will not leave that person. I mean, I will put that person behind bars. But if somebody has exactly. been wrongly accused for something like this, have to talk in the press and you will have to tell people. No, but Ekta, you know how it is in the press, how dirty it gets. You know, I don't want but, my daughter to get. But your daughter and your husband have put a blame on someone. If you yeah, know the truth and you know that Pearl is not no, involved. I know the truth. Of course he's not. And I have given the statement also. But you cannot you know, not let. Because today he's been arrested. He's arrested today. He's arrested. They are not letting him go. I didn't know about this case. I've just got to know. No, and, actually, Hamavanji knew about it and I had even spoken yeah, to him about it. Yeah, but nobody has told me know. About it. And clearly, there must have not been anything which was. They must have not thought Pearl was wrong, because you must have taken Pearl's side. And then this exactly. must have. You know, because I'm telling you, if you for 1 second also feel that this has happened. Not at all. My gut feeling says that it's not happened. And when I so many times in the court, I have met her. I've been meeting her in the court. Can you imagine what I'm going through? Ekta, it's been 2 years. It's going to be two years. So when years. You met your daughter, On what did your daughter 23rd, say?
I'm telling you, see, 23rd September, he took her from school. When I left my house, I got her with me. Hmm. So I should not send her because he told her that I'm possessed. So my lawyer told me, don't send her there. 23rd September, ये तारीख याद रखिएगा। इस तारीख को जो हस्बैंड है वो बेटी को स्कूल से ही ले गए और अभी अलग हैं इनसे। 4 months I didn't send her and then I invited him for my daughter's birthday. He didn't turn up, he just sent a cake. And suddenly he comes to the school on 23rd September and he just picks up my daughter from my, she was with me on my lap, so he just takes her. So I told him don't do this because you know he has a habit of getting like abusive and haath uthata hai har baat pe. So maine usko bola ki don't take her and I directly went to the cops. So then I went with my lawyer to the court and I did a case on him. Then when I land up to his house with Tanvi Thakkar and all, the Bepana Pyar team only, so I get to know from some cop that I had taken my daughter for shooting, so something bad has happened with my daughter, bad touch. So I was like shocked ki when this, you know, I will tell, she won't tell me and she won't tell my mother. And I, you know, when I went to his house, I got to know this. And imagine it's been 1.5 years now, Ekta, I'm staying without my daughter, sorry. And he's put these wrong allegations. अब यहाँ पर ये एक्ट्रेस हैं, वो बता रही हैं कि 1.5 साल से वो अपनी बेटी के बिना रह रही हैं, मतलब वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं। इनके जो पारिवारिक क्लेह घर में चल रहा है उसका शायद ये नतीजा हो सकता है कि यहाँ पर पर्ल को इसमें एक बलि का बकरा बनाया गया हो। Then he's written some uncle has done it and now that is Samir ji calls me up and he tells me ki Pearl bhi puri ka naam liya hai. I was like shocked ki ye kya kar raha hai, pagal ho gaya, he's psychotic actually. Vichara Pearl, but just think about it, you know, mere liye very 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 important movement in this country called Me Too, and a child molestation is not easy. Forget the fact that Paul will go to jail. I will not work with him ever in my life. You know, this is the worst thing that can happen to him. But if you know it is not, if you know, I feel so safe with Balaji. यहाँ पर एक तो जो है वो विक्टिम की मदर को बोल रही हैं कि अगर ऐसा पर्ल ने किया है या फिर किया होगा या फिर कर सकता है तो मैं उसके साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करूंगी। बट आई एम ग्रज, ही इज रिमूविंग अ ग्रज, बट वो ग्रज किसी की लाइफ खराब कर देगा। I suggest you because today I'm telling you, if he's in jail and tomorrow this news comes out that there is a man who molested a girl, a child, and you know it is not true, the karma that is attached to this, see, on every level it is wrong. Husband, wife are fighting, nobody should involve children. On the other level it's wrong that your child is kept away from you just to prove you as a bad mother. They're going to blame an actor that he touched her inappropriately. Even though I know, तो यहाँ पर जो पूरा केस है वो ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि एक जो पारिवारिक क्ले है उसमें जो विक्टिम की मदर हैं उन्हें ऐसा दिखाया जाए कि उन्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है, और इसी के चलते यहाँ पर कि उनके जब उनकी माँ थी वो उन्हें अपने सेट पर ले आती थी काम करने, और वहाँ पर लड़की के साथ इस तरह हुआ क्योंकि जो माँ है उसको अपनी लड़की की बिल्कुल भी केयर नहीं थी, तो इस चलते लड़की के साथ उनकी ऐसा हो गया। और इसी पर जो विक्टिम के फादर हैं उनका पूरा जो केस है वो बनता नजर आ रहा है। I will always believe the child because that's the way it is. But clearly here when the mother is saying this and if your maid has also said, then definitely there might be, people are using the child for the wrongest purposes. Exactly, you know? She's been tutored. And today, यहाँ पर लड़की की मदर बोल रही हैं कि शी इज बिंग ट्यूटर्ड, उनको सिखाया जा रहा है, जो बच्ची है जो 12 साल से कम की बताई जा रही है उसको ये सब सिखाया जा रहा है बोलने के लिए। Shout and I also took her to Mehak, my co-artist's place after the day we were shooting. She played with the dog, she was so happy. If something like that happens with a child, won't the child scream or something? I know he is doing all this, but only my daughter was involved, Naita. I didn't want all this to come out in the press, yeah, because you know how it is now when it comes out in but the press. But I didn't want it.
दिस इज नॉट अबाउट प्रेस कमिंग आउट इन द प्रेस. एक आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी. नहीं नहीं, आई डोंट वांट दैट. ऑफ कोर्स आई एम विद पर्ल ओनली. किसी 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 को किसी को नाम खराब करना था आपका और आपके बच्चे का. अब मतलब कि शूटिंग में ऐसे होता है और उसने yeah. एक स्वीपिंग स्टेटमेंट. आई मीन आई डोंट वांट टू गो हियर एंड से दैट ओके, बट यू नो देयर शुड बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग शुड बी राइट. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ somebody is being wrongly blamed, this is not going to hold you nice. Know, I feel so guilty about this. You won't believe that because of my case, somebody else is being dragged. And I was like, I've been working with Balaji Telefilms so many times. I've worked with them and I don't know what Ekta must be thinking. I'm usually with the mother in all these stories. I personally know. You know how it is now, what's happening. You know, people, actors, they don't, like so many years, I was like, you know, taking it because I thought both my sisters are settled. You know, now my sister is married to Moni Bell. You know that, right? Yeah. So she's so settled and, you know, happy. So I didn't want to give mom this stress. You know, I didn't want to come home and, you know, do all this tamasha. Because my dad's also not there, na, Ekta. So, like, I'm without my dad. आपको किसी ने मारा है, आपको 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 आज यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ योर डॉटर बिकॉज ये सब कोर्ट में जा रहा है और ये कोर्ट ब्रेन वॉशिंग हर सो मच अगेंस्ट मी. आई कांट टेल यू. So I don't know. Actually, I was in depression first. So when he took her, and I'm with Pearl only. Of course, I'm with the truth, and I have given all the statements. I have given all the proof to police. I am with Pearl. जो यहाँ पर लड़की की माँ है वो क्लियरली बोलती नजर आ रही हैं कि वो पर्ल के साथ हैं, वो सच्चाई के साथ हैं और जो उनकी बेटी है उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है. I know nothing like that has happened. See, but you know what? I was not. Samirji told me you go with Pearl to the police station. But if I would have gone with Pearl to the police station to give any statement, they would have thought ki koi mili bhagat hai in logon ki, you know. So I just wanted to keep myself away, and because I spoke to my lawyer also, so she said you don't get into it because he's written. You know what he's written in the paper? He's written that I knew and I just put it under the carpet. That's what he's written in the papers. Hello. I'll just tell you one thing. Yeah. That you know, a child is a very, very sensitive issue. And if anything has happened to the child, we will be the first to raise a voice. But if there's somebody using the child to make a false allegation, this is not going to be easy. There has to be a counter case. There has to be enough. He should do a manhani ka case on him. I am with Pearl. He should do a manhani ka case on my husband. I have no relationship with my husband. I'm not talking to him. Out of the court, I told him ki let's mutually. That time I didn't know ki what his name and all, because he kept writing Dada. Sometimes he's writing Uncle. So out of the court also, I told him, let's not make her a pawn in this. And you don't, you know, just for our fight, don't, you know, he's just an ego tip right now. So he's not ready to settle only. I said, okay, according to your terms, thode din you keep. बच्चे की लाइफ का इशू है, ये आप लोगों का इशू है, इसमें कोई तीसरा अगर इन्वॉल्व हो रहा है. You are right. I'm on a guilt trip. I don't know मैं कौन सी घड़ी, you know how it is at work. I just wanted to get a just spend one day with her. Really bad for you. I really feel bad for you because you took your child to the set and it's become a. Yeah, I mean, as a working mother, if this allegation is a false allegation, it will just give everyone a chance to make false allegations against working mothers. It's a very sad situation. You also take your son to the office and all that. Of course, I do. Mother tells me, Kareena Kapoor, take the son to the shooting. क्या सबके साथ हम बचपन से जा रहे हैं शूटिंग पे. मैं अपनी बहन के साथ जाती थी. Nothing happened to us. It's so safe. Everything. सब जगह CCTV cameras लगे होते हैं. You tell me, how can it be के ऐसे हो गया. We have such hot girls in our industry. Yeah, I'm saying the bad things happen. They happen on sets. They happen in people's homes. They happen with people we most unlikely. Yeah, it can happen in a family also. Yeah, but I'm saying if it has not happened, and it is just being used to put somebody into a problem, and if you feel that it has not happened, you have to stand up for the boy, because it's a very, very problematic thing. And your husband, if he's doing this and he's using, and if there is a, it's a false claim, and if it's proved, I will tell Pearl to put a case against this man. Please do that. I request you. Please do that. Because anyway, I want that to happen. Anyway, I'll call you back.
सो गाइज, ये थी वो कॉल रिकॉर्डिंग जिस पर ये पूरा जो मामला है वो एक तरफा होता नज़र आ रहा है। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम की मदर है वो क्लियरली बोलती नज़र आ रही है कि पर्ल बेगुनाह है, उनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। एक यहाँ पर जो लड़की की मदर है, जो विक्टिम की मदर है, उनको डिफेम करने के लिए उनके हस्बैंड ने पर्ल के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि एक वर्किंग वूमेन है और तो वो अपनी बेटी का जो ख्याल है वो नहीं रख सकती, क्योंकि उन दोनों को जो डाइवोर्स केस है वो चल रहा है, दोनों को अलग होना है और लड़की का जो कस्टडी है उसे लेने के चक्कर में ये सब ऐसा हो रहा है। जो लड़की की मदर है वो भी उनसे 1.5 साल से नहीं मिली है और लड़की की मदर भी ये बोलती हुई नज़र आ रही है कि वो चाहती हैं कि पर्ल उनके हस्बैंड पर डिफेमेशन केस करें, यानी मानहानि का दावा करें कि उनकी जो इमेज है उसको ख़राब किया गया है। लेकिन अब ऐसे में जो पर्ल हैं वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, अब 14 दिन तक पर्ल को जेल में रहना होगा। आप यहाँ पर आप क्या सोचते हैं इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कि क्या ऐसा होना सही है, पर्ल को 14 दिनों के लिए जेल में जाना सही है, उन्हें वहाँ पर रखना सही है? क्योंकि पूरा मामला अभी तक खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ अगर ऐसा क्लियरली लड़की की मदर की जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आ रही है तो उस पर एक बार पुलिस को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तो उसको भी पुलिस ज़रूर छानबीन करे और जो सच है वो सामने आए। सत्यमेव जयते। तो गाइज, आपको जो भी इस केस के बारे में कहना कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना जो सपोर्ट है, अपना जो गुस्सा है, रेज है, जो भी है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं इस केस की हमारे चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। कीप ऑन वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।